टुडे वी विल स्टार्ट विथ मटेलो पॉर्फिन इट इज बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मटेलो पॉर्फिन स्टार्ट करेंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि वट इज़ पॉर्फिन पॉर्फिन मैंने क्या लिखाया है इट इज़ मैक्रोसाइक्लिक टेट्रापायरोल कंजुगेटेड सिस्टम मैक्रोसाइक्लिक साइक्लिक मतलब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन कैसा साइक्लिक है बहुत बड़ा जॉइंट साइक्लिक स्ट्रक्चर है टेट्रापायरोल मतलब फोर पायरोल रिंग्स आर प्रेजेंट इन इट और इट इज एक्सटेंसिवली कंजुगेटेड सिस्टम ठीक है तो इन थ्री वर्ड्स का क्या मीनिंग हुआ अभी हम देखते हैं हाउ डज इट मीन तो ये ड्रॉ की हैं मैंने फोर फाइव मेम्बर रिंग्स वन टू थ्री फोर फाइव सारे ये फाइव मेम्बर रिंग्स हैं और ये पायरोल रिंग्स हैं ठीक है पायरोल रिंग में यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो अभी हम देखेंगे कि हाउ डज इस सिस्टम तो ये है नाइट्रोजन हीट्रो ऐटम हीट्रो ऐटम वाला ये वाला और ये वाला कार्बन क्या है दिस इज अल्फ़ा कार्बन वैसे इसके ये दो कार्बन अल्फा कार्बन है ये दो अल्फा कार्बन है और इस नाइट्रोजन के ये और ये कार्बन कैसे हैं दिस आर द अल्फा कार्बनस सॉरी नाइट्रोजन मुझे यहाँ पे नहीं बनाना है नाइट्रोजन मुझे यहाँ पे बनाना है ठीक है तो दीज आर द टू अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे कार्बन है ये तो दीज आर टू अल्फ़ा कार्बन अब हम क्या करेंगे इन अल्फ़ा कार्बन को आपस में ऐसे ज्वाइन कर देंगे ठीक है ये इसका ये इसका तो मैंने ये फिर से ज्वाइन कर दिया ये इसका अल्फा ये इसका अल्फा तो इसको मैंने फिर से ज्वाइन कर दिया इज इट क्लियर ठीक है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है यहाँ पे सेकेंडरी नाइट्रोजन मतलब एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगी है और इसके ऑपोजिट नाइट्रोजन के साथ भी क्या लगा है हाइड्रोजन बाकी ये जो नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड के अंदर आ जाएंगे कंजुकेटेड सिस्टम में अभी हम देखेंगे कैसे आते हैं तो वी विल स्टार्ट विद मेकिंग दिस सिस्टम अ कंजुकेटेड सिस्टम तो जब मैं यहाँ पर बॉन्ड लगाती हूँ और यहाँ पर भी बॉन्ड लगाती हूँ दिस सिस्टम बिकम्स अ पायरोल रिंग ठीक है वैसे ही एक पायरोड रिंग है दूसरी पायरोल रिंग है तीसरी और फोर्थ पायरोल रिंग है ठीक है अब हम मैं लिख देती हूँ दिस इज फर्स्ट पायरोल रिंग दिस इज सेकंड पायरोल रिंग दिस इज थर्ड पायरोल रिंग एंड दिस इज फोर्थ पायरोल रिंग ठीक है तो क्या हो गया है इट इज टेट्रा पायरोल सिस्टम अब हम बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम है तो इसको हम कंजुगेटेड बनाते हैं तो इट इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड ठीक है फिर यहाँ पे अगेन सिंगल बॉन्ड आ गया फिर डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहां पे आ गया डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ गया आप पास डबल बॉन्ड यहां उस तरफ चल जाओ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पे आ गया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगेन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ठीक है तो आप देखेंगे ये सिस्टम कैसा बन गया इट बिकम्स द कंजुगेटेड सिस्टम बन गया ये सिंगल डबल सिंगल सिस्टम का ये एक रिंग बन गई ठीक है तो दिस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन ट्वेंटी इट कंटेन्स हाइड्रोजन फोर्टीन नंबर एंड नाइट्रोजन आर फोर इन नंबर ठीक है दिस सिस्टम इट इज़ कॉल्ड एज पॉर्फिन सिस्टम पॉर्फिन बोलते हैं इसको या इसको बोलते हैं पॉरफायर इन सिस्टम ठीक है तो पॉरफाइरिन क्या है मैक्रोसाइकिल बहुत बड़ी एक साइकिल है फोर पायरोल रिंग्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सो इट इज कॉल्ड एस टेट्रा पायरोल कंजुगेटेड सिस्टम है आप देख सकते हैं कैसा है इट इज कंजुगेटेड सिस्टम एंड इन दिस सिस्टम वी कैन से दैट फोर पायरोल रिंग्स जो फोर पायरोल रिंग्स हैं यहाँ पे दीज आर कनेक्टेड दीज आर कनेक्टेड टूगेदर बाय अल्फा कार्बन एटम्स अल्फा कार्बन एटम्स के आपस से कनेक्टेड है और किस से कनेक्टेड है डबल बॉन्ड सी एच मतलब इसको क्या बोलते हैं मिथिन तो इट इज कनेक्टेड बाय द मिथिन ब्रिज तो वी कैन से दैट पॉल इट इज अ टेट्रा पायरोल सिस्टम फिर ईच पायरोल रिंग इट इज कनेक्टेड एट अल्फा कार्बन एटम से कनेक्ट है और किस से डबल बॉन्ड सी एच देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड सी ठीक है यहां पे भी देखते रहते हैं आप डबल बॉन्ड सी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सी सिस्टम से क्या है ये कनेक्टेड ठीक है तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज पॉफाइरिन सिस्टम और इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉफायरिन स्केल्टन ठीक है और कहां पे प्रेजेंट है ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ये सब का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये है पारोफाइरिन सिस्टम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द मैक्रो मोलिक्यूल जो हमारी मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है और प्लांट्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उन सब में ये पाइरोल रिंग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इज इट क्लियर ठीक है तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि ये जो टेट्रापाइरोल रिंग है ये अपने दो हाइड्रोजन लूज कर सकता है मतलब ये टेट्रोपायरोल टू हाइड्रोजन लूज कर सकता है अगर टू हाइड्रोजन लूज कर देगा तो ये पायरोल के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा टू नेगेटिव चार्ज आएगा टू पॉजिटिव लूज करने से टू नेगेटिव चार्ज आए सो इट बिकम्स अ एन इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाई एनाइन ठीक है अब अगर ये डाई एनाइन बन जाता है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा इट विल अटैक्ट द पॉजिटिवली चार स्पीशीज को अटैक करेगा पॉजिटिवली चार्ज ट्रांजिशन मेटल आयंस को अट्रैक्ट करेगा इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ट्रांजिशन मेटल आयन ठीक है तो ये क्या करता है ये जो पॉरफाइरिन सिस्टम है ये पॉरफाइरिन सिस्टम मेटल एटम के साथ कंबाइन करके कौन से मेटल एटम के साथ ट्रांजिशन मेटल के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है ये पॉरफायरिन प्लस मेटल तो पॉरफाइरिन प्लस मेटल को क्या बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड एज मटेलो आर ये बात समझ में ठीक है इट इज़ कॉल्ड एज मेटेलो सॉरी आई एन आता है मटेलो पॉरफाइरिन सिस्टम बन गई है ठीक है तो पॉरफाइरिन हुआ सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर अगर इसके बीच में मेटल आ जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा बीच में मेटल आ जाएगा और मेटल फोर नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज द मेटेलो पॉरफाइरिन सिस्टम इज इट क्लियर ठीक है अब ये जो मटैलो पार फायरिंग सिस्टम है इसकी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक होता है ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है तो इट हैज अ स्पेशल कैपेसिटी दैट इट कैन बोथ बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी है इसके पास ठीक है जिस वजह से क्या होता है इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी चेंज होती रहती है धीरे धीरे तो चार्ज डेंसिटी चेंज होती जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती जाएगी चेंज तो द डिक्रीज और इंक्रीज इन द चार्ज डेंसिटी विल अफेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस पॉरफायरिंग सिस्टम अब ये जो मॉलिक्यूल है हम बोलते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है एक्सटेंडिव कंजुगेशन प्रेजेंट है ठीक है और एक्सटेंसिव कंजुगेशन होने की वजह से दिस मॉलिक्यूल इज रिजिड मॉलिक्यूल ठीक है रिजिड समझते हैं आप एक होता है फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल मतलब जो एकदम इधर उधर हिल सकता है रिजिड मतलब ये जैसे हमारा स्केल्टन सिस्टम है रिजिड जल्दी से हिलता नहीं है ठीक है तो ये रिजिड सिस्टम है तो इट इज़ ऑल्सो अ रिजिड स्केल्टन रिजिड स्केल्टन है और क्या करता है जो इसकी कैविटी है कैविटी जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम कैविटी ऑफ पॉर्फाइर सिस्टम ठीक है इस कैविटी में क्या आ जाते हैं इट एक्मोडेट्स द ट्रांजिशन मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल या कोई भी मेटल को ये बीच में क्या कर सकता है अकोमोडेट कर सकता है ठीक है तो इसको बोलते हैं हम होल ऑफ़ पावर फायर इन ट्री ठीक है तो ये जो साइज़ है इस होल का जो साइज है इट इज़ गुड इनफ टू अकोमोडेट द ट्रांजिशन एलिमेंट और सिर्फ फर्स्ट सीरीज ज़्यादा अकोमोडेट करती हैं जैसे निकल हो गया आयरन हो गया कोबाल्ट हो गया इनको ज़्यादा अकोमोडेट करती है तो जो होल ऑफ़ द पावर फायर इन सिस्टम इट एकोमोड्स द ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन मेटल बे कौन से एलिमेंट है फर्स्ट सीरीज फर्स्ट सीरीज थ्री डी सीरीज के मेटल्स को ज्यादा अकोमोडेट कर सकता है एंड मोस्ट कॉमन एम एक्म आर आयरन निकल कोबाल्ट, जिंक एक्सेट्रा इन एलिमेंट्स को क्या करता है ये आपस में अकोमोडेट करता है ठीक है और कोवलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एटम अगर मैं नाइट्रोजन एटम की बात करूं तो नाइट्रोजन एटम का कोवलेंट रेडियस है 75 पिकोमीटर लेकिन और फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सीरीज़ है फर्स्ट सीरीज़ का जो कोबलेंट रेडियस है इट इज़ 125 पिकोमीटर इज़ इट क्लियर इसका मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन का रेडियस आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करता है तो नाइट्रोजन का कुछ रेडियस होगा बीच में ट्रांजिशन मेटल आएगा उसका कुछ रेडियस होगा तो नाइट्रोजन का रेडियस है 75 पिकोमीटर और ट्रांजिशन एलिमेंट का रेडियस होता है जनरली 125 पिकोमीटर के आसपास ठीक है इसका मतलब कि जो भी यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस बनेगा वो किसके आसपास बनना चाहिए इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली टू पिकोमीटर तो एलिमेंट्स टू हंड्रेड पिकोमीटर मतलब सेंटर से लेके नाइट्रोजन के सेंटर तक इस सेंटर से लेके नाइट्रोजन के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है लगभग टू हंड्रेड पिकोमीटर तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम मतलब किसके अराउंड हो सकते हैं यहाँ पे टू हंड्रेड पिकोमीटर्स के अराउंड हो सकते हैं ठीक है तो अब अगर मैं निकल की बात करती हूँ तो जो निकल का रेडियस है निकल और नाइट्रोजन मान लो यहां पे ट्रांजिशन मेटल की जगह निकल आ जाता है तो निकल और नाइट्रोजन का रेडियस है इट वेरीज अराउंड 193 नाइन्टी थ्री टू वन पिकोमीटर वेर एज आयरन एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन कौन से नाइट्रोजन की बात करूं मैं इन नाइट्रोजन की बात करूं ये जो फोर पायरोल के नाइट्रोजन नेट में बीच में अगर निकल आ जाता है फोर पायरोल के रिंग के बीच में अगर निकल आ जाता है तो निकल और नाइट्रोजन का रेडियस कितना आ जाता है मिलके 193 नाइन्टी थ्री टू वन नाइन्टी सिक्स बॉन्ड डिस्टेंस कितना हो जाता है वन नाइन्टी थ्री टू नाइन वन नाइन्टी सिक्स पिकोमीटर और अगर यहाँ पे आयरन आ जाता है तो इसका बॉन्ड लेंथ इट बिकम्स अराउंड टू हंड्रेड टेन पिकोमीटर्स तो ये टर्म्स आपने लर्न करनी है कि नाइट्रोजन का रेडियस है सेवेंटी फाइव और ट्रांजेशन मेटल का जनरली अप्रोक्सीमेटली वन ट्वेंटी फाइव के पास बोलते हैं हम ठीक है और दोनों का मिला के कितना हो जा रहा है टू हंड्रेड टेन के आसपास हो जा रहा है ठीक है और जब इनको हम मिलाते हैं इफ़ इट मेटल इज निकल तो बॉन्ड लेंथ बन जाती है इसके अराउंड और अगर आयरन है तो बॉन्ड लेंथ बिकम्स अच्छा हो होती है इसके अराउंड ठीक है अब क्या बात है इस खास बात क्या है इस होल की जो पायरोल का होल है जनरली जो मैं पायरोल का होल है इसको हम ऐसे भी डोनोट करते हैं मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैं यही रिंग बनाऊंगी इनिशियली तो आपको ये वाली रिंग बतानी है लेकिन बाद में मैं क्या बोल सकती हूँ फोर नाइट्रोजन एटम हम लिखते हैं ऐसे और हम उसको ऐसे ऐसे शो कर देते हैं फर्स्ट रिंग सेकेंड रिंग थर्ड रिंग और फोर्थ रिंग इसका मतलब क्या हो गया कि ये फोर पायरोल रिंग्स हैं कनेक्टेड हैं और यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये जो बीच में प्रेजेंट है ये है होल जहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट आएगा बीच में इज इट क्लियर ठीक है अब मान लो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो बहुत छोटे साइज़ का है छोटे साइज का ट्रांजिशन एलिमेंट है तो छोटे साइज को ट्रांजिशन एलिमेंट को एफिशिएंटली बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करते हैं नाइट्रोजन एटम एक पास आना स्टार्ट हो जाते हैं तो व्हाट वी कैन से दैट इफ द साइज ऑफ द मेटल इज स्मॉल कितना स्मॉल दैट इफ द साइज ऑफ मेटल इज लेस देन वन पिकोमीटर इफ द साइज ऑफ मेटल इज लेस दैन 125 ट्वेंटी द रिंग बिकल बिकम्स रफल्ड रफ़ल्ड मतलब थोड़ी बहुत डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है द रिंग बिकम्स रफल्ड और क्या होता है जो नाइट्रोजन एटम है ये इस मेटल के पास आना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है तो इफ़ मेटल एटम इज़ वेरी स्मॉल लेस देन 125 पिकोमीटर नाइट्रोजन एटम स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू तो दिस मेटल एटम टू तो फॉर्म द एफिशंट बॉन्ड ठीक है आगे बात लेकिन अगर मेटल एटम का साइज बहुत बड़ा है ठीक है मैं आपको यहां बना के बताती हूं ठीक है तो मान लो अगर ये नाइट्रोजन 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 ये कोई रिंग है पोरफाइरिन रिंग सिस्टम अगर है ये अगर मेटल का साइज बहुत बड़ा है ठीक है तो क्या हो जाता है जो नाइट्रोजन एटम है ये जो मेटल अगर बहुत बड़ा है तो ये इस होल में अच्छी तरह फिट नहीं बैठेगा तो क्या हो जाएगा ये जो मेटल आइटम है ये इस रिंग से थोड़े ऊपर के डिस्टेंस तक रहेगी ठीक है जैसे मान लो ये नीचे रिंग है और ये इसका होल है होल अगर छोटे साइज का है और मेटल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मेटल उस होल में फिट नहीं बैठेगा मेटल इस रिंग से थोड़ा ऊपर आ जाएगा ठीक है ऊपर आएगा और ये कोन टाइप स्ट्रक्चर बना देगा ठीक है इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द डोम्ड स्ट्रक्चर डोम्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी तो दो कंडीशन आ गई अगर मेटल का साइज़ बहुत छोटा है तो नाइट्रोजन एटम पास आके बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे अगर मेटल का साइज़ बहुत बड़ा है तो ये जो मेटल है इस रिंग के होल से थोड़ा ऊपर आ जाएगा ऊपर आएगा और वहाँ से ये डोम स्ट्रक्चर समझते हैं ना आप डोम स्ट्रक्चर कैसा होता है जैसे मान लो ये है नीचे मेटल ये पेज जो है ये है मेटल की रिंग तो मेटल थोड़ा ऊपर बैठ गया तो यहाँ पे एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड तीसरा बॉन्ड और फोर्थ बॉन्ड ठीक है मेटल थोड़ा ऊपर है और इसी ऊपर से एक नाइट्रोजन के साथ दूसरे नाइट्रोजन के साथ तीसरे नाइट्रोजन के साथ और चौथे नाइट्रोजन के साथ इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बोन ठीक है और मेटल एटम कितना बड़ा है इफ इट इज ग्रेटर देन पिकोमीटर इज इट क्लियर ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिंग है है तो ये रिजिड है लेकिन मेटल एटम को अकोमोडिएट करने के लिए या तो नाइट्रोजन के एटम नजदीक आ जाते हैं या मेटल एटम थोड़ा ऊपर ही रहता है इन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ डोम स्ट्रक्चर ठीक है तो वी कैन से इट इज नॉट कंप्लीटली रिजिड पूरी तरह रिजिड नहीं है ये रिंग इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिच कुछ बहुत क्या है इसमें कुछ बहुत क्या प्रेजेंट है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है इसमें इज इट क्लियर ठीक है और इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल्स स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ये कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इस रिंग में ठीक है तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स की एक सीरीज़ है वी सी दैट निकल टू पॉजिटिव आयन इज मोस्ट स्टेबल अगर यहाँ पे मैं निकल डाल देती हूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सबसे स्टेबल कंपाउंड बनेगा निकल इज द मोस्ट स्टेबल निकल के बाद है कॉपर टू पॉजिटिव उसके बाद है आपके पास कोबाल्ट टू पॉजिटिव फिर है आयरन टू पॉजिटिव और सबसे अनस्टेबल मेटल है इसमें जिंक टू पॉजिटिव ठीक है जिंक टू पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा है तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड ठीक है तो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी इंक्रीज इन दिस ऑर्डर ठीक है निकल इज द मोस्ट स्टेबल फेर एज द जिंक इज द मोस्ट स्टेबल टू फॉर्म द बॉन्ड विद द पॉरफायरिन सिस्टम ठीक है और क्या खास बात है इस पॉरफायरिन की पॉरफायरिन कैसा है ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है एंड इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर एरोमेटिक समझते हैं आप ठीक है फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें ठीक है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन ट्वेंटी सिक्स कब होगा जब फोर सिक्स प्लस टू सिक्स फोर ट्वेंटी फोर प्लस टू तो ये इसमें फिट बैठ रहा है ट्वेंटी सिक्स तो इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर ठीक है तो दिज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द पॉल फायर रिंग गया? और खास बात क्या है इस पॉल ऑफ आयरिन की एक और फीचर है कि ये तो है बेसिक स्कैल्टन ठीक है इसकी मैंने आपको नंबरिंग नहीं बताई नंबरिंग कैसे होती है जो पायरोल के कार्बन एटम्स हैं आउटर मोस्ट सिर्फ हम उनकी नंबरिंग करते हैं ठीक है तो अगर मुझे इसकी नंबरिंग करनी है तो मैं नंबरिंग कैसे करूंगी इसकी सिर्फ बाहर वाले कार्बन एटम की नंबरिंग तो इट इफ इट इज कार्बन नंबर वन इट इज कार्बन नंबर टू इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे हम यहां पे थ्री नंबर फोर नंबर दिस इज कार्बन नंबर फाइव दिस इज कार्बन नंबर सिक्स मिथिन वाले बीच वाले कार्बन एटम की नंबरिंग नहीं करते दिस इज कार्बन नंबर सेवन एंड दिस इज कार्बन नंबर एट तो इस तरह से करते हैं हम नंबरिंग ऑफ दिस पायरोल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है और ये जो ग्रुप्स हैं ये वाले जो बाहर वाले कार्बन एटम्स हैं जो भी हैं इनके ऊपर बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्सटूंट्स लग जाते हैं ठीक है हीमोग्लोबिन होगा तो सब्सटुंट कुछ और होगा ठीक है अगर मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को हम कैसे डिनोट करते हैं एच बी से हीमोग्लोबिन होगा तो सब्सटूंट कुछ और होंगे इसमें मायोग्लोबिन होगा तो सब्सटेंट कुछ और होंगे इसमें अगर यहाँ पे क्लोरोफिल है तो सब्सटूएंट कुछ और होंगे तो जैसे जैसे इस पॉरफाइरन स्कैल्टन के ऊपर सब्सूंट चेंज होते जाते हैं इस पॉरफाइरिन की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती हैं ठीक है तो प्रॉपर्टीज दे ऑल डिपेंड अपॉन द सब्सुएंट तो जैसे जैसे हम सब्सिट्यूशन चेंज करते जाएंगे हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते जाएंगे यहाँ पे इथाइल जो भी सब्सटूडेंट हम लगाते जाएंगे नेचर ऑफ द ऑन चेंजिंग और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाती है चेंज है है ठीक है? एक और फीचर है इस पॉलफाइरिन रिंग का कि पॉर्फाइरिन रिंग को हम बोलते हैं कि इट इज नॉट एब्सोल्यूटली फ्लैट पूरी फ्लैट रिंग नहीं है ये ठीक है जैसे मैं ये पेज है आपका पेज है ये फ्लैट रिंग ठीक है लेकिन फ्लैट नहीं है अगर मान लो ये फोर कॉर्नर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ फोर कॉर्नर है पेजेस के ठीक है तो पोरफाइरिन के जो ये वाले नाइट्रोजन हैं ऑपोजिट नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन ऊपर की तरफ टिल्टिड है ठीक है जैसे ये मान लो नीचे है लेकिन ये ऊपर की तरफ टिल्टिड है ऐसे ये वाला और ये वाला ऊपर की तरफ टिल्टिड है और ये जो ऑपोजिट दो जो बचे ये नीचे की तरफ टिल्टिड है ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस रिंग इज़ नॉट असेंशली प्लेनर पूरी तरह प्लेनर नहीं है बट टू पायरोल टू नाइट्रोजन ऑफ टू ऑपोजिट पायरोल रिंग्स दे आर टिलटेड अप एंड अदर टू नाइट्रोजन एटम्स दे आर टिल्टेड डाउन ट इज दे आर आउट ऑफ प्लेन सो द रिंग इज नॉट कम्प्लीटली रिजिट कुछ रिजिट नहीं है और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं इट रिजल्ट इनफॉर्मेशन ऑफ समझ हद तक अबाउट पक रिंग ऑफ द रिंग हो जाती है यहाँ पे ठीक है पूरा प्लेनर नहीं है कुछ हद तक क्या है इसमें थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉशन है दो ऑपोजिट नाइट्रोजन ओपर की तरफ रिलिटेड है और दो ऑपोजिट नाइट्रोजन नीचे की तरफ रिलेटेड है इज इट क्लियर जो मटेलो पॉफायरिंग सिस्टम है आप देख सकते हैं कि मान लो बीच में है आयरन एटम एफ पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट है ठीक है तो अगर आयरन फोर नाइट्रोजन के साथ फोर नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेटेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया फोर तो जनरली मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा फोर लेकिन अगर एक सब्सटूएंट ऊपर है जैसे आयरन के ऊपर एक और सब्सटूएंट तो ये वाला अगर फोर कोऑर्डिनेटेड है तब तो क्या बन गया ये स्क्वेयर प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया इफ कॉर्डिनेशन नंबर इज फोर लेकिन अगर कॉर्डिनेशन नंबर फाइव है आयरन के ऊपर एक और है तब क्या बन जाएगा ये इट विल बी स्क्र पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका ठीक है एक और हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स भी हो सकता है आयरन के ऊपर भी एक एटम है और आयरन के नीचे भी एक और एटम है ठीक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सिक्स तब ये क्या बन जाएगा इट विल बी ऑक्टाहाड्रोल इन सेव तो हम क्या बोलते हैं जो मटेलोपॉर फाइरिन है दे आर जनरली फोर कॉर्डिनेटेड मेटल आयंस दे मे बी फाइव कॉर्डिनेटेड टू फॉर्म द स्क्र पिरामिडल स्ट्रक्चर एंड दे मे ऑल्सो बी सिक्स कॉर्डिनेटेड टू फॉर्म द ऑक्टाहाड्रोल स्ट्रक्चर तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पोरफाइरिन ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पोरफाइरिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन एंड हाउ द ऑल दी स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम ईच अदर ठीक है तो ये था बेसिक पोरफाइरिन का आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट थैंक यू